नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें भगवत गीता के बाद संसार का सारा रहस्य छुपा है। माँ 9 महीने कोख में अपने बच्चे को रखती है और फिर उसका लालन पालन करती है, वो भी निश्चल भाव से। लेकिन कुछ ऐसे ही बेटे माँ के कोख का ऋण चुकाना भूल जाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट खातीपुरा जयपुर से। खबर है खातीपुरा जयपुर से, जहाँ एक बेटे ने अपने छोटे भाई और माँ को घर से निकाला। खातीपुरा का था मामला। वैशाली थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए माँ बेटे को थाने में 151 में बंद किया। फिर पीड़िता पहुंची कमिश्नर ऑफिस। 3 साल से सुरसरा में तेजाजी मंदिर में रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। बड़े बेटे से मिलने गए तो बेटे ने 3 दिन तक कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसियों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। जब ये खबर पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस कमिश्नर ने जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। वो भाई दही खाने के चक्कर में धोखाधड़ी करके फंसाना चाहता था हमारे। नहीं, लेकिन थाने वाले ने क्यों बंद कर दिया? थाने वाले उसके मिले हुए हैं। वो मिले हुए? ऐसा आप कह रहे हो? हाँ, वो मेरा भाई जिससे थाने वाले से मिल लिया जो हमारे को। आपका भाई का नाम बोलो। जगदीश यादव है। जगदीश यादव? हाँ। और आपका नाम? माधुराम यादव। माधुराम यादव, क्या करते हैं? जगदीश यादव क्या करते हैं? वो कारीगरी का करता है, दारू पी के पड़ा रहता है। 1 करोड़ रुपए कर्जा माता कर लिया है, हमारे को मार पीट के निकाल दिया। दो तीन बार 3 साल पहले निकाल दिया था। आपका नाम? मैं डॉक्टर निशा माथुर हूँ और मैं इंटरनेशनल की प्रोपराइटर हूँ और मैं फाउंडेशन की गवर्नर प्रेसिडेंट हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, नेशनल पॉलिटिक्स। तो मेरे पत्रकार ने और मेरी भाभी ने कल मुझे फ़ोन किया कि ऐसा एक मैटर है, ये पुजारी जी हैं जो मतलब लेके भटक रहे हैं एक लेडी को, और अगर तुम किसी को जानती हो कोई मीडिया वगैरह, क्योंकि पुलिस ने कंप्लेंट करा दी उन्होंने पहले 1 महीने पहले, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कोई असर हुआ नहीं। और ये बोले कि 2-3 दिन से मेरे पास चक्कर काट रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि अपन इनको इनकी आवाज़ को उठाएं आगे सामने लेके आए? तो फिर मैंने कल कुछ मीडियाकर्मी से बात करी। मैं थैंक्स बोलूँगी मीडियाकर्मी को कि आप सब लोग इतना यहाँ इकट्ठे हो गए शॉर्ट नोटिस पे। मतलब मुझे यहाँ आके पता चला कि हमें एक लेटर हेड पे पूरी कार्रवाई करनी थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा और सब यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ गए। मैं थैंक्स कहूँगी सभी लोगों को।